वीडियो शेयरिंग वेबसाइट YouTube ने बच्चों के वीडियो पर कमेंट पर लगाई रोक। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट YouTube ने बच्चों के वीडियो पर किसी भी तरह के कमेंट करने पर रोक लगा दी है। Google के मालिकाना हक वाली कंपनी ने वीडियो पर भद्दी टिप्पणियां रोक पाने में असफल रहने के बाद यह कदम उठाया है। एक ब्लॉग पोस्ट में कंपनी ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में 13 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के वीडियो पर से भद्दे कमेंट हटाने के लिए नियम बनाकर उन्हें लागू कर दिया जाएगा। हाल में आए एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में दिखाया गया था कि किस तरह YouTube पर मौजूद बच्चों के वीडियो पर कमेंट के जरिए यौन उत्पीड़क अपने जैसे अन्य लोगों को उसे देखने के लिए प्रेरित करते हैं। इनमें से ज्यादातर वीडियो में बच्चे या तो जिम्नास्टिक कर रहे थे या कोई गेम खेल रहे थे, लेकिन इनके नीचे आपत्तिजनक टिप्पणियों की भरमार थी। इस डॉक्यूमेंट्री के वायरल होने के बाद YouTube पर इसके खिलाफ कार्रवाई का दबाव बन रहा था। पिछले हफ्ते YouTube ने कहा था कि उसने 13 साल से कम उम्र के बच्चों से जुड़े लाखों वीडियो से कमेंट हटा दिए हैं। फिलहाल कंपनी इससे निपटने के लिए अपने एल्गोरिदम पर काम कर रही है। ताज़ा कदम की जानकारी देते हुए कंपनी के CEO सुसान वोजसिक ने कहा, हाल में YouTube पर कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंताजनक हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। उनका यह भी कहना है कि आने वाले समय में इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करने वालों की पहचान करने और उन्हें YouTube से हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। लिप सिंक वीडियो बनाने के लिए दुनिया भर के युवाओं में मशहूर चीन के मोबाइल ऐप टिकटॉक पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने बिना अभिभावकों की अनुमति के नाबालिग बच्चों का डेटा इकट्ठा करने के लिए यह जुर्माना लगाया है। बच्चों की निजता से जुड़े किसी मामले में लगाया गया यह सबसे बड़ा जुर्माना है।